गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, आप लोग को मैथ में चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में आप लोग को बता दिया गया था कि जो भी आप क्वेश्चन किए उसका सॉल्यूशन दिया गया। और इस वीडियो में साइंस चलेगा, उसमें फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी में जैव प्रकर्म के अंतर्गत चार चैप्टर था वो खत्म हो गया। केमिस्ट्री में तीन चैप्टर बता दिया गया और फिजिक्स में अभी दो चैप्टर हुआ था। इसलिए आप लोग को आज इस वीडियो में फिजिक्स से वीडियो दिया जाएगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंग के संसार, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में फिजिक्स के परिभाषा के साथ क्लास टेंथ में कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है, कितने नंबर का एग्जाम में आता है, उसके बारे में सभी बताया जा चुका है। तो पहला चैप्टर था प्रकाश के परावर्तन, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। ये सभी ऑप्टिक्स चैप्टर में आता है, प्रकाशीय चैप्टर में आता है, प्रकाश से संबंधित बात होगा। प्रकाश के बारे में आप लोग को पहला अध्याय में भी बताए थे कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है जो नेत्र की रेटिना पर जब पड़ती है तब वस्तु को देखने की सहानुभूति होती है, अथवा जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होती है और नेत्र की रेटिना पर पड़ती है तब वह वस्तु दिखाई पड़ती है। मान लो कि यह वस्तु है, इसको आप पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे कब, जब ये प्रकाश, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, कोई दीप्तमान पिंड हो और जिससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश आपको आंख में डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पहले इस वस्तु पर पड़ेगा, समझ रहा है, इससे परावर्तित होगा और परावर्तित होने के बाद आंख पर पड़ती है, तब ये वस्तु हम लोग को दिखाई पड़ेगा, तब हम ये वस्तु हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा और इससे परावर्तित प्रकाश जो होगा वही रेटिना पर पड़ेगा, है ना। आइए आज हम उस रेटिना के बारे में, पहले कुछ नहीं बताया था क्योंकि रेटिना जो है विद्यार्थी जी वह नेत्र का भाग, रेटिना अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो हम जब नेत्र पढ़ेंगे तब यह बात आएगा, इसलिए प्रकाश से संबंधित जो भी जानकारी आपको लेना है तो प्रकाश के प्रावर्तन लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम 5 लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों को कॉपी बनाए हैं यदि उससे जानकारी लेना चाहते हैं तो उनसे लीजिए, और नहीं तो YouTube पर आप फिजिक्स का प्रावर्तन लिखिएगा मेरे चैनल पर जाकर करके,
तो आपका फिजिक्स का प्रवर्तन का पूरा चैप्टर का आ जाएगा, पूरा लेक्चर 1 2 3 सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तो आपको पीछे से जानकारी भी हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है पहले से ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ने का। तो ये हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो विद्यार्थी जी, नेत्र के बारे में आप जानते होंगे, नेत्र होगा, नयन होगा, चक्षु होगा, लोचन विलोचन इसको भी बोलते हैं, आप हिंदी में इन नामों से पुकारते हैं। हम लोग यहां पर नेत्र या आंख लिखेंगे, नेत्र या फिर क्या लिखेंगे, आंख। समझ रहा है विद्यार्थी जी? उसके पहले हम लोग इसमें प्रकाश में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संयुक्त, संयुक्त प्रकाश है ना, इसको बहुवर्णी प्रकाश भी कहते हैं। संयुक्त प्रकाश को बहुवर्णी प्रकाश भी कहते हैं, बहुवर्णी प्रकाश भी कहते हैं। संयुक्त शब्द का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एक में बहुत सारे। बहुवर्णी का मतलब हुआ वही बात जिसमें बहुत सारा वर्ण हो। वर्ण को विद्यार्थी जी, वर्ण यहां आएगा, वर्ण को अपना भाषा है रंग, वर्ण को अपना भाषा मतलब जो बोल चाल का भाषा बोलते हैं उसको रंग कहते हैं। तो यहां बहुवर्णी दो शब्द से बना है, बहु से और वर्णी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इस बहु शब्द का अर्थ हुआ बहुत, बहुत सारा, और वर्ण शब्द का अर्थ हो रहा है वर्ण, वर्ण वर्ण, ये वर्णी हुआ, ये वर्ण बना, और ये वर्ण का मतलब रंग, जिसमें बहुत सारा रंग हो वो बहु वर्णी प्रकाश कहलाता है, जिसका प्रमुख उदाहरण सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। सरा विद्यार्थी जी, ये यही श्वेत प्रकाश ही बहु वर्णी प्रकाश है, बहु वर्णी प्रकाश है। समझ रहा है बात? अभी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जिस प्रकाश में बहुत सारी तरंगदैर्ध्य हो और आवृत्तियां हो तो उसे हम लोग बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश में बहुत सारे वर्ण है ने, ऐसे तो लोग कहते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग है। चलिए भाई, यही बात सही है कि बहुत में 7 है, तो ये बहुत में गिनती आ रहा है ने। अब एक वर्णी प्रकाश, जिस प्रकाश में केवल एक ही वर्ण होता है, केवल एक ही रंग होता है, उसे हम लोग एक वर्णी प्रकाश कहते हैं, और इसका प्रमुख उदाहरण है हरा, ग्रीन। फॉलो किया बात को, है ने? एक वर्णी प्रकाश और बहुवर्णी प्रकाश, यानी संयुक्त प्रकाश और एकल वर्णी प्रकाश के बारे में आपने सुना, और आप लोग श्वेत प्रकाश के बारे में भी यहां हम लोग पढ़ेंगे, है ने? सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश होती है उसी प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें कई रंगों का मिश्रण होता है। मैंने अभी आपको बोला कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आपने जवाब दिया कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसके बारे में आप अभी सुना। मैं इस 7 रंगों को श्वेत से अलग भी करेंगे और फिर 7 को मिलाकर श्वेत भी बनाएंगे, मतलब श्वेत को में जो 7 रंग हम बताए वो 7 रंगों को विभक्त करेंगे,
अलग अलग करेंगे और एक में फिर मिलाने के प्रयास करेंगे, मिलाएंगे, ऐसा साबित करके मैं आपको पीछे वीडियो देंगे, इसके आगे वीडियो देंगे, पीछे नहीं सॉरी, इसके आगे वीडियो देंगे। तो आपने प्रकाश के बारे में पहले पढ़ा, लेकिन यहाँ पर दो शब्द आ गया, संयुक्त प्रकाश, बहुवर्णी प्रकाश, एकवर्णी प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार के साधन है, एक प्रकार के माध्यम है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जब प्रावर्तित होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी नेत्र की अंदर भाग रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिससे वह वस्तु दिखाई पड़ती है। वहां पर पूरे डिटेल्स बताया गया है प्रकाश के बारे में। यहाँ पर तो सिर्फ प्रकाश के दोनों पार्ट पढ़ेंगे, एक वर्णी प्रकाश और बहुवर्णी प्रकाश, और फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे आंख में। तो अब हम लोग एक वर्णी पढ़ लिए, बहुवर्णी पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं विद्यार्थी नेत्र के बात करते हैं, आंख के बात करते हैं, है ना। हमारे शरीर का यह एक ऐसा अंग है नेत्र, अपने मनुष्य को पहले बात करते हैं, तो नेत्र है जो ऐसा अंग है, इस अंग के मदद से हम दृष्टि मतलब देखते हैं, किसी भी चीजों को देख करके अध्ययन करते हैं। कभी कभी कानों पर विश्वास नहीं होता है तो आंख पर विश्वास करते हैं। कानों पर विश्वास मतलब किसी ने कहा, आपने सुना, लेकिन क्या पता कहा हुआ बात वो सत्य है या नहीं है, ये भी तो बात है। तब हम लोग जाकर करके अपने आंखों पर विश्वास करते हैं, ठीक है आपने कहा वो बात सत्य है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन जब वो चीज अपने आंखों से देख लेते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि श्वेत प्रकाश में सात रंग है, लेकिन वो सातों रंगों को मिलाएंगे और श्वेत बन जाएगा और आप आंख से देखेंगे तो सत्य कहिएगा, क्योंकि आंखों पर हमने विश्वास किया। तो विद्यार्थी नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है, यहां पढ़ना है मानव नेत्र, लेकिन डिफिनेशन जो देंगे आप नेत्र को देंगे, नेत्र को, नेत्र आंख को परिभाषा देंगे। तो मनुष्य के आंख का काम है देखना, तो क्या दूसरे जीवों के आंख का काम है बोझा ढोना, ऐसा तो बात नहीं। तो जीव कोई भी हो, चाहे दो नेत्र वाला हो, एक नेत्र वाला हो, कोई भी जीव हो, उन जीवों के आंख का जो कार्य है वो सभी का कार्य है देखना। तो नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है जिसकी सहायता से, प्रकाश की मदद से हम वस्तु को देखते हैं। तो हम बोल दिए तो केवल मानव नेत्र का डिफिनेशन हो गया। अब यदि उसमें हम हटा देंगे दृष्टि की अनुभूति होती है तो पूरे जीव के नेत्र का बोध हो जाता है। तो नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है जिसके सहायता और प्रकाश की मदद से दृष्टि की अनुभूति होती है, उसे हम लोग नेत्र कहते हैं, आंख कहते हैं। अब हम लोग यहां से मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र का परिभाषा क्या अलग होगा? नहीं, परिभाषा वही होगा, लेकिन मानव नेत्र की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बनावट के बारे में। आप कुछ जीवों के नेत्र को अध्ययन किया होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण परिसरों में रहते हैं, और आपके घरों में किसी प्रकार के जानवर पालते हैं, तो रात्रि में यदि उस जानवर के पास अंधेरे में जाते हैं तो देखिएगा उनकी आंख चमकीला दिखाई पड़ता है, जबकि रात्रि में मनुष्य की आंख चमकीला आप है, आप रात में अंधेरे कोठरी में
किसी को देखिए उनका आंख चमकीला दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि हम लोग के नेत्र और उन जिस जानवर के नेत्र ऐसा चमकीला रात्रि में दिख रहा, उसके नेत्र में कुछ बनावट में अंतर है। कार्य सेम है, बनावट अंतर है। और भी आपने सुना होगा कि हम लोग दिन में ही देखते हैं, रात में बिना प्रकाश के नहीं देखते हैं। जबकि कुछ जीव जैसे उल्लू, चमगादड़, है ना, सर्प, ये सब जो है कम प्रकाश में वस्तु को देख लेता है। कम प्रकाश में, अंधेरे प्रकाश में, नहीं प्रकाश में वस्तु को देख लेता है। तो इसका मतलब है हम लोग के नेत्र में जो कुछ बनावट संरचना है और उस जीवों के नेत्र में बनावट संरचना है, वो कुछ अंतर है। तो विद्यार्थी यहां पर सिर्फ पढ़ना है मानव नेत्र, तो मानव नेत्र की संरचनाओं पर हम लोग बात करेंगे। आइए आज हम आप लोग के बीच पहले ये सभी बातों को लिखते हैं, संयुक्त प्रकाश, बहुवर्णी प्रकाश, एकवर्णी प्रकाश और नेत्र की परिभाषा। देखिए ध्यान से, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार, यानी आपके पास नेत्र है तभी रंग बिरंगा संसार देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए देखिए विद्यार्थी, क्लास टेंथ ये है आपका चैप्टर, सुन रहा है, याद रहे, फिजिक्स में जिसका पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, संयुक्त प्रकाश या बहुवर्णी प्रकाश से आप क्या समझते हैं? आंसर में अभी आपको मैंने बताया कि जिस प्रकाश में विभिन्न तरंग दैर्ध्य हों तथा
अनेक आवृत्तियां, अनेक आवृत्तियां जिस प्रकाश में विभिन्न तरंग दैर्ध्य तथा अनेक आवृत्तियां मिश्रित होती है उसे बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण श्वेत प्रकाश है। तो विद्यार्थी जी, जिस प्रकाश में विभिन्न तरंग दैर्ध्य तथा अनेक आवृत्तियां मिश्रित होती है उसे बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं, अथवा वह प्रकाश जिसमें अनेकों वर्णों का मिश्रण हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अथवा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह प्रकाश जिसमें अनेक रंग मिला होता है उसे संयुक्त संयुक्त प्रकाश कहते हैं। तो विद्यार्थी जी, आप लोग परिभाषा को समझें कि जिसमें बहुत सारे प्रकाश हो, जब बहुत अलग अलग प्रकाश रहेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग रहेगा, उसकी आवृत्ति भी अलग अलग रहेगा, उसका वेग भी सबका अलग अलग रहेगा। तो वैसे को जिसमें इन सभी मिला हो मिश्रित प्रकाश को ही बहुवर्णी प्रकाश, संयुक्त प्रकाश कहते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण श्वेत प्रकाश है। आप परिभाषा को ध्यान से गौर से सुने और पढ़ें, देखें। हो गया विद्यार्थी, अब मैं आगे बता रहा हूं जिसके बारे में ध्यान से देखिएगा। एक वर्णी प्रकाश जिसमें एक रंग हो, है ना, एक ही तरंग दैर्ध्य हो, एक ही आवृत्तियां हो, तो उसे आप क्या बोलिएगा, एक वर्णी प्रकाश। देखिए विद्यार्थी, ध्यान से क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में पीछे ही बता दिए थे, जिस प्रकाश में एक रंग यानी वर्ण रंग होता है उसे एक वर्णी उसे एक वर्णी प्रकाश कहते है। इसका प्रमुख उदाहरण
हरा प्रकाश है। तो आगे विद्यार्थी जी, सबसे जिस प्रकाश में एक रंग हो, एक वर्ण हो, एक ही तरंग दैर्ध्य हो, एक ही आवृत्तियां हो, तो उसे आप क्या बोलिएगा, है ना? तो एक वर्णी प्रकाश कहेंगे। और इसका प्रमुख उदाहरण क्या होता है विद्यार्थी? हरा प्रकाश। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा एक वर्णी प्रकाश कौन है, तो हरा है, है ने? और श्वेत प्रकाश कौन सी है, बहु वर्णी प्रकाश है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन था विद्यार्थी नेत्र आंख किसे कहते हैं। जवाब होगा नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है जिसके मदद से प्रकाश के उपस्थिति मदद से, नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है जिसके मदद से प्रकाश के उपस्थिति में दृष्टि की अनुभूति होती है। देखिए विद्यार्थी, हम यहां पर उसको लिए हैं जो प्रकाश के उपस्थिति में देखता है। यहां पर उल्लू चमगादड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर देख रहे हैं ये प्रकाश के उपस्थिति में, जो प्रकाश की मदद से, जैसे हम लोग रात्रि में जब भी कोई वस्तु को देखते हैं तो ये लाइट जला लेते हैं तभी दिखाई पड़ता, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ता। तो हम उन सभी को बोध करते हैं, फिजिक्स कभी अपवादों का वर्णन नहीं करता है। तो आप देखिए उसमें जरूर आपको पहले बता चुके हैं कि उसकी संरचना जो है विद्यार्थी अलग है, बनावट अलग है। तो बोल उसका यहां पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर विद्यार्थी? ये जो है नॉन लिविंग साइंस है, मतलब निर्जीव विज्ञान है, आपको पहले बता चुके हैं। सजीव विज्ञान का वर्णन जीव विज्ञान में होता है और निर्जीव विज्ञान का वर्णन फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। इसलिए यहां पर हम लोग मानव नेत्र से संबंधित बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, मुर्गा मुर्गी ये सभी बात करेंगे, उस पर अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसके पूरे नेत्र की संरचना नहीं बताएंगे। और यहां पर केवल मनुष्य के नेत्र की पूरी संरचना, चित्र वगैरह सारे बनावटों के साथ यहां बताएंगे, क्योंकि ये मानव नेत्र के बारे में डिफरेंस। तो ये आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। तो देख लिया विद्यार्थी जी, जिस प्रकाश में एक रंग होता है उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं, है ने? नेत्र जीवधारी प्राणी का वह अंग है जिसके मदद से प्रकाश की उपस्थिति में दृष्टि की अनुभूति होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुभूति होती है तो उसे नेत्र कहते हैं। यहां पर वो चीज नहीं लिखने हैं, है ने? अनुभूति होती है उसे नेत्र कहते है। तो देख रहा है ये सही बातों को याद रहे, मिटा रहे हैं, उतना भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नेत्र का परिभाषा हो जाएगा। अब आइए मानव नेत्र के प्रमुख भागों के बारे में लिखते हैं कि मानव के जो नेत्र है उसका प्रमुख भाग क्या क्या है जिसके बारे में पढ़ना है। पहले भाग का नाम लिख देते हैं, इसके बाद आप लोग
को एक एक करके वर्णन करेंगे चित्र के साथ। मानव नेत्र के प्रमुख भाग को लिखें। चलिए क्वेश्चन ही बन गया, ठीक है विद्यार्थी। यहां पर आंसर में लिखते हैं मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। देखिएगा विद्यार्थी जी, पहला है ना श्वेत पटल, ठीक है। दूसरा कोराइड, सॉरी दूसरा कोराइड, तीसरा कॉर्निया, कॉर्निया ठीक है, चौथा नेत्र लेंस, पांचवा सिलियरी मांस पेशियां, छठा रेटिना, सातवां छल तंत्रिका, तंतु आठवां शंकु तंत्रिका तंतु, नौवां पीत बिंदु, दसवां अंध बिंदु, ग्यारह कचाभ द्रव, बारमा नेत्रोध, तेरमा अस्नायु, चौदह दृष्टि अक्ष। देख रहा है विद्यार्थी जी, आप लोग के सामने नेत्र के अंदर इतनी बातों को पढ़ना है जिसको आपके सामने नाम लिख दिए हैं। कुछ नाम दूसरे नामों से ज्यादा प्रचलित होता है, जैसे रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो जिनको दो दो नामों से
एग्जाम में आता है, मैं उन सभी को दो दो नाम लिख डालेंगे परिभाषा को लिखाने के समय में। आइए मैं सभी पर गौर से आप सुनिएगा जिसके बारे में हम बता रहे हैं। सभी अपने आंखों में या अन्य दूसरे को आंखों में जब देखते होंगे, अपने आंख में देखना होता है तो दर्पण लाते हैं, आईना, तो अपना आंख भी देखा जाता है। और जैसे मेरे आंखों की बनावट है, दूसरा को भी उसी प्रकार से दिखता है, कुछ अलग होती है क्योंकि कुछ आंखों का रंग काला, नीला, भूरा, ये तीन रंग की आंख होती है, रंग में होती है। मैं बताऊंगा वो किसकी आंखों पर किस प्रकार से निर्भर करता है, जिसमें काला दिखता है, नीला दिखता है, भूरा दिखता है ना। यदि आप लोग के कुछ अलग से किताबों में पढ़ा है जानकारी तो कमेंट में लिखेंगे जरूर, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, यदि आप पूछना चाहते हैं कुछ भी। तो आइए श्वेत पटल का बात करते हैं। आप आंखों में जब गौर से देखते होंगे तो उजला दिखता है, उजला, उसी को श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र में जो सफेद भाग है, उजला भाग है, उसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और यह सबसे मजबूत है, कठोर है, दृढ़ है और नेत्र के सबसे ऊपरी परत है। ये इसका काम आंख का सुरक्षा करना होता है। तो आपने सुना कि श्वेत पटल आंख की सबसे ऊपरी भाग है, जो सफेद दिखता है उसी को श्वेत पटल कहते हैं। यह कठोर होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आपने श्वेत पटल के बारे में सुन लिया। आइए कोराइड। तो सफेद उजला के बाद कुछ काला दिखता है, यह कोराइड है। काला होने के कारण यह तो प्रकाश को तो अवशोषित कर करके नेत्र के अंदर पहुंचाने का काम करता है। जो प्रकाश इसके पास आ जाता है वह वापस लौट के आंख से बाहर नहीं निकलता है। तो ये काले रंग का होता है। कॉर्निया, समझ रहा है, कॉर्निया, आंख में ये उभरा हुआ उठा हुआ महसूस होता है, जो काला के बीच में होता है। जिनके आंख भूरा या नीला होता है ना, उनके आंखों में अस्पष्टता दिखाई पाता है। यदि ये आंख है तो देखिएगा ये बीच भाग का कॉर्निया, ये भी ये पारदर्शी होता है। जो काले रंग को अवशोषित कर रहा था प्रकाश, वो इसी से होकर करके अंदर प्रवेश करता है। जो काले रंग का था वो अवशोषित किया, और वो अवशोषित जो करता है तो इसी काले भाग, बीच वाला जो काला भाग है उसी को कॉर्निया कहते हैं, और इसी से होकर के नेत्र के अंदर में प्रकाश जाती है। इसी का रंग आंख का रंग होता है, कॉर्निया। नेत्र लेंस हमारी नेत्र के अंदर, नेत्र के अंदर फिगर भी बताएंगे, उत्तल जैसी एक संरचना होती है जिसकी बनावट उत्तल लेंस की तरह होती है। इसलिए नेत्र में जो नेत्र लेंस है, नेत्र में जो नेत्र लेंस है उसकी बनावट उत्तल लेंस की तरह होती है। इसका क्रिया भी, कार्य भी उत्तल लेंस की तरह होता है। इसी के मदद से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसके मदद से इस पर बनाता है, रेटिना पर, रेटिना पर बनता है, जो अस्थाई होता है। कैसा अस्थाई, अस्थाई मतलब बना,
और बनने के कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसको एक बार नहीं कई एक बार देखेंगे तो धीरे 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 वो अस्थाई में बदल जाता है। उसे हमारे मस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है सेरेब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दरोगा का लहर है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है, शरीर का जो सिर का जो सबसे बड़ा अंग है वो सेरेब्रम है, उसी में जाकर के धीरे धीरे अस्थाई बन जाता है। जब तक आप हम लोग पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो हर चीज प्रारंभ में होती है, शुरुआत में होता है। क्या है, आपने जीवन में यह चैप्टर कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं। हम लोग बचपन में एक दू पढ़ते थे, एका दुका क ख ग घ ए बी सी डी, आज पढ़े कल भुला गए। ये भी बात यहां भी है कि आज पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद भुला जाएंगे, पहले से भूलने की कैपेसिटी अब कम है, पहले बहुत जल्दी भुला जाते थे। आज का कहा याद किए, आज करके ट्यूशन स्कूल से चलाए फिर बयान गए तो कुछ भुला गए उसमें से। लेकिन यदि आज आपको एका दुका लिखेल कहेंगे तो बिल्कुल फटाक से लिख दीजिएगा, बल याद हो गया सर। नहीं भाई, याद नहीं हो गया, आप उस एक दो चार पूरे गिनती पूरे ककारा पूरे खोड़ा को लाइफ में इतना बार लिखा, इतना बार लिखा जिसका कोई भी काउंटिंग आपके पास नहीं है। तो यदि इस चैप्टर को भी दो बार चार बार पांच बार यदि दस बार पढ़िएगा तो ये चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा कि जैसे आप किसी से बात करते हैं वैसे बिल्कुल लाइन बाय लाइन बोल दीजिएगा। आपके सामने मैं बक रहा हूं, आपने फॉलो कर रहे हम लोग, या आप भी मेरे जगह रहिएगा तो बैठ के रटा नहीं, पढ़ा पढ़ा कई एक बार पढ़ा कई एक बार देखा कई एक बार पढ़ाए, ये धीरे धीरे हमारे सेरे ब्रह्म में जाकर करके संचित हो गया, जमा हो गया। अब वो अब निकालते हैं धीरे धीरे। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के समय सुनने से ज्यादा देखने का काम कीजिए, क्योंकि देखने पर पहले अस्थाई प्रतिबिंब और फिर धीरे 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 यह अस्थाई में बदल जाता है। यदि आज कोई फिगर बनाएंगे तो आपको लगता है कि सर को कैसे याद है, हमसे तो देख करने बनेगा। भाई वैसी बात नहीं, वैसे मेरे साथ भी था, लेकिन उस फिगर को धीरे धीरे टेढ़ करके लांगर करके लूल करके जैसे कर करके एक बार बनाया दो बार बनाया कई एक बार बनाया और फिर आज उसका परिणाम बिल्कुल सही सुंदर साफ दिखता है। आप भी यही काम करेंगे तो जरूर आपको सुंदर साफ दिखेगा। जिन बच्चों हैंडराइटिंग पर बहुत गौर करके लिखावट करते हैं उनके लिखावट को देख करके दिल मचल जाता है कि क्या लिखावट है, क्या हैंडराइटिंग है। तो आइए, तो नेत्र लेंस जो होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब अस्थाई के रूप में कहां बनाता है, रेटिना पर, सिलियरी मांसपेशियां। यह एक ऐसी मांसपेशियां है जो नेत्र लेंस को जड़े रहता है, पकड़े रहता है ऐसे करके, ऐसे बीच में ये देख रहा है ये नेत्र लेंस है, इधर ऐसे पकड़ के जड़े रहता है। फिगर बनाएंगे तो देखिएगा इसी को जकड़े रहता है, इस प्रकार से जकड़े रहता है और इसी के मदद से, इसी के मदद से ये घूमता है जिधर देखना चाहते हैं। इस पर परिभाषा है नेत्र की क्षमता शक्ति पर, कि नेत्र की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी बदली जाती है और ये बदलती है किससे, सिलियरी मांस पेशियां से। तो इसी के मदद से नेत्र लेंस को घुराया जाता है और फोकस दूरी बदली जाती है जिससे उसकी क्षमता कहलाता है। आगे हम उस पर बात करेंगे। तो ये अब आगे रेटिना, रेटिना नेत्र के अंदर का वह भाग है, नेत्र रेटिना जो है नेत्र के अंदर भीतर का वह भाग है जिस पर किसी
वस्तु का अस्थाई प्रतिबिंब नेत्र लेंस बनाता है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो आपने फॉलो किया, समझ गया। अब ये तंत्रिका तंतु रेटिना के पिछले हिस्से में, रेटिना के पीछे हिस्से में कुछ छड़ की तरह सीधा सीधा और कुछ शंकु की तरह संरचना बनी होती है, छड़ की तरह और शंकु की तरह, बेलन की तरह और शंकु की तरह, उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। और जिस उसी में जिसका बनावट छड़ की तरह हो गया उसे छड़ तंत्रिका तंतु कहते हैं, और जिसका बनावट शंकु की तरह हो गया उसे शंकु तंत्रु का तंतु कहते हैं। इसी के मदद से, ये दोनों की मदद, ये देख रहा है ने, इसी के मदद से हम वस्तु को आकार अनुभव करते हैं, आकार। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहा है विद्यार्थी जी, आपके बीच ये देख रहा है और ये देख रहा है, आप महसूस कर रहे होंगे कि इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। तो ये छोटा बड़े आकार का अध्ययन कौन करता है? छड़। कौन करता है? छड़। आप ये देख रहे हैं उजला रंग है और ये लिखा हुआ काला रंग है, ये रंगों का अध्ययन कौन करता है? शंकु तंत्रिका तंतु। इसका वर्णन चर्चा हम लोग अगले दिन, अगले वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से और झकास करेंगे। कैसे मुर्गा मुर्गी के बारे में, कैसे उल्लू के बारे में, कैसे चमगादड़ के बारे में और कैसे मनुष्य के बारे में, रंगों का पहचान करना, बड़ा मोटा छोटा दिखाई पड़ना, तो इन बातों पर, सभी बिंदुओं पर अभी मैंने जैसे डिटेल सब किया, मैंने सबका डिटेल एक एडजस्ट करूंगा और फिर सभी के लिखूंगा एक एक करके और फिगर के साथ, फिगर पर बताएंगे, है ना। आप लोग किताब की देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा नेत्र का फिगर बनाने के लिए, है ने? फिर मैं यहाँ पर बहुत बड़ा सा फिगर नेत्र के अंदर भाई बताएंगे, है ने? कहां पर क्या क्या है आप गौर करेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है। बायोलॉजी प्लस फिजिक्स ट्विन वन है, एक के साथ एक फ्री है, ध्यान से देखें। तो अगले दिन हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। Thank you.